नमस्कार। देश में जो चुनाव का हलचल चल रहा था वो हलचल अब सेटल हो चुका है। लोकसभा 18वीं लोकसभा का रिजल्ट आ गया, सरकार भी बन गई, कल ओथ सेरेमनी था। निश्चित रूप से इस ओथ सेरेमनी में दो फायदे बिहार के लिए दिख रहे हैं, एक मंत्रियों की संख्या और दूसरा जो बिहार सरकार का जो इस सरकार के बनने में जो बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो जदयू के सीट हैं, एलजेपी के सीट हैं, जीतन राम मांझी जी का सीट है, ये सारे जो सीट हैं वर्तमान केंद्र सरकार की जो चाबी है, उस चाबी का एक वैसे तो दो चाबी है, एक चंद्रबाबू नायडू जी के हाथ में है, दूसरा लेकिन जो मेजर चाबी है वो बिहार के हाथ में है। तो इससे ये उम्मीद की जा रही है, जैसा कि चर्चा की जा रही है, कि जो मंत्री बने और मंत्री, लेकिन दुर्भाग्य की बात इसमें ये होती है कि बिहार के लोग जब मंत्री बनते हैं तो बिहार के बारे में सोचने के बदले पूरे देश के बारे में सोचने लगते हैं। यही पीछे का पास्ट इतिहास रहा है, ठीक है, आप उसी में जाएंगे। जबकि साउथ वाले जो मंत्री बनते हैं तो साउथ वाले पहले अपने राज्य के बारे में सोचते हैं, फिर देश के बारे में सोचते हैं, और बिहार के लोग एकदम से राष्ट्रीय ढांचा, राष्ट्रीय जो जो एरिना है उसको पकड़ लेते हैं। मेरा सुझाव यही रहेगा कि बिहार के जो मंत्री हैं पहले बिहार को, चूंकि बिहार को विकसित करना, देश के विकास के लिए बिहार को विकसित करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये जो बिहार के पास जो एक चाबी केंद्र सरकार की का जो रिमोट, केंद्र सरकार का जो स्थायित्व है उसका रिमोट जो बिहार के हाथ में आया है, उसका उपयोग बिहार के भलाई के लिए करना चाहिए। बिहार के केंद्र सरकार से बड़े सारे बेनिफिट प्राप्त करने के लिए आना चाहिए, और उस बेनिफिट में एक होता है फाइनेंशियल बेनिफिट, फाइनेंशियल जो पैकेज है, इसके अलावा जाएंगे तो बड़े सारे उद्योग वगैरह का, जो इंडस्ट्री वगैरह की जो स्थापना है उसको लेकर के, जिससे बिहार से माइग्रेशन खत्म हो और रिवर्स माइग्रेशन स्टार्ट हो, बिहार के लोग बाहर नहीं जाए, बाहर के लोग बिहार आए, ये बिहार को इस लेवल पर बिहार को विकसित किया जाए। अब यहाँ पे जाएंगे तो ये सारा, ये तो एक अभी जो चुनाव था उसकी बात है, लेकिन ये चुनाव के खत्म होने का एक और बड़ा बेनिफिट है, वो बेनिफिट ये होने जा रहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो चुका है और भारी संख्या में अब भर्तियां बिहार में निकलेंगी, क्योंकि अगले चुनाव का जो बेस है, अगले चुनाव का मेन मुद्दा वो यूथ की रोजगार और यूथ का जो रोजगार है और बेरोजगारी है, यही एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ही सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, और मुझे लगता है कि बिहार सरकार को इस बात की जानकारी है। और बीपीएससी जो 69th है उसका मेंस का रिजल्ट, उसके बाद इंटरव्यू होगा, और फिर बीपीएससी 17वीं का नोटिफिकेशन आप हम अगले एक महीने के अंदर में उम्मीद कर सकते हैं। 69th का इंटरव्यू के लिए जो मेंस का रिजल्ट है वो अगले एक महीने के अंदर में आ जाएगा, और जो 70 है उसके जो वैकेंसीज हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से वो फाइनल वैकेंसीज नहीं आया है, इस कारण से बीपीएससी 70 का नोटिफिकेशन आने में 15-20 दिन देर हो रहा है। वैसे अदरवाइज हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि 10 तारीख तक ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, 10 जून तक, लेकिन अभी तक आया नहीं। अभी की सूचना के अकॉर्डिंग जो जून का जो लास्ट है उस समय तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और वो नोटिफिकेशन आने में विलंब जो हो रहा है वो विलंब इस कारण से हो रहा है कि जो अन्य विभिन्न विभागों से जो नियुक्तियां होती हैं वो नियुक्तियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं, जो सारे बिहार का सिस्टम था वो चुनाव में लगा हुआ था इस कारण से, लेकिन अब आ जाएगा, 15-20 दिन के अंदर में सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो एक तो ये है, अब ये मान लेते 30 सितंबर का डेट है पीटी का, बीपीएससी 70 का, और उसके बाद जनवरी फर्स्ट वीक का जो डेट है वो मेंस का डेट है, तो डेट बिल्कुल फिक्स है, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अब नोटिफिकेशन आने के बाद आपकी तैयारी नहीं है स्टार्ट हो सकती है, अब तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अब आप तैयारी काफी आगे बढ़ चुका होगा आपका तैयारी अभी इस लेवल पर। बस यही सुझाव देना चाहूंगा कि अब चूंकि तैयारी के एक उच्च लेवल पे आप आ चुके हैं, अपर स्टेज पे आ चुके हैं, चाहे पीटी का हो चाहे मेंस का हो, उसमें अब जो भी आप पढ़ें, पीटी की बात अगर करूं तो पीटी में जो कुछ भी पढ़ें उसका 10-15 क्वेश्चन साथ साथ जरूर प्रैक्टिस करें। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा, उसका 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। कहां से प्रैक्टिस करेंगे? तो उस प्रैक्टिस के लिए आपके पास एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आपके पास जो पिछले सालों में डिफरेंट एग्जाम में, ठीक है, जो चाहे बीपीएससी का हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो, चाहे राजस्थान पीसीएस का हो, झारखंड पीसीएस का हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस का हो, सारे एग्जाम में हर में 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन के आए हैं, और उसको विभिन्न जो डिफरेंट पब्लिकेशन वाले हैं, अरिहंत वाले हैं या अदरवाइज, उन लोगों ने एक जगह कलेक्ट किया हुआ है। तो जब भी आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़िए उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, मुद्रा बैंकिंग पढ़िए, मनी एंड बैंकिंग पढ़िए, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर पब्लिक फाइनेंस बजट वगैरह पढ़ते हैं उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, उस तरह से पॉलिटी में पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, तो उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। तो रोज का रोज आप पढ़ते भी जाइए और साथ में प्रैक्टिस करते जाइए, ये देखते जाइए कि आपका प्रिपरेशन बहुत लैक तो नहीं कर रहा है। लैक करने का मतलब ये हुआ कि 10 क्वेश्चन किया, खूब अच्छे से इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने गया, और वहां पे अगर 3-4 क्वेश्चन सही हो रहा है, इसका मतलब ना तो आपका कंटेंट अच्छा है, ना तो आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप
अगर कोई टॉपिक अगर आपका कंटेंट अच्छा है और आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो उस 10 में से 8 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, और 8 क्वेश्चन का मतलब हुआ 80%। अगर 80% सही होता जा रहा है तो फिर आपका 150 क्वेश्चन का जो बीपीएससी पीटी होगा उसमें 120 क्वेश्चन सही हो जाएगा, और 120 क्वेश्चन लोगों का सही होता है। आप ये मत मान के चलिए कि असंभव है, 30 क्वेश्चन छोड़ना या 30 क्वेश्चन छोड़ना बहुत होता है। 150 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं तब भी 120 क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है तो ये पास क्वालिफाई करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं रखेगा। एग्जाम के अगले दिन से आप कॉन्फिडेंस के साथ मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए अभी भी 3.5 महीने का टाइम है मेंस में, जुलाई अगस्त सितंबर, और इधर 20 दिन का टाइम है, ये जो 110 दिन का टाइम है, इस 110 दिन के टाइम में अभी भी आपकी तैयारी, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बस सुझाव मेरा यही है कि पढ़िए और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, और चीजों को आगे बढ़ाइए, पॉजिटिव माइंड से रहिए और पॉजिटिव माइंड से तैयारी करिए। वैकेंसी, अब राजनीतिक बातें अब दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, सरकारें अपनी गति से चलती हैं, जो विधायक बनना था, जो जिनको सांसद बनना था सांसद बन गए, जिनको मंत्री बनना था उनको मंत्री बन गए, जिनको सरकार में जाना था सरकार में चले गए, जिनको विपक्ष में, आप जहां हैं वहीं हैं। आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है, आपके जीवन में बदलाव सिर्फ आपके अपने प्रयास से आएगा। आपके जाति के नेता सांसद बन गए, कुछ नहीं, कोई बदलाव आपके जीवन में नहीं आया है, बस आपका ईगो सेटिस्फाई हुआ है, आपने बस इस तरह की बातों के पीछे अपना टाइम जाया करके अपना टाइम खराब किया है, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है, ठीक है। तो इसलिए अब इन सब बातों से दूर होकर के जो जहां के थे वहां चले गए, वो जहां जो 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 इलेक्ट होने थे इलेक्ट हो गए, जो जो रिजेक्ट होने थे वो रिजेक्ट हो गए, जहां जिनको मंत्री बनना था मंत्री बन गए, जिसको विपक्ष में जाना हो गए। अब आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए और कोशिश करिए कि बीपीएससी 70 आपका अंतिम एग्जाम हो, इस एग्जाम में आपका सपना जरूर पूरा हो जाए और बिहार में आप ऑफिसर बन जाए, ठीक है। थैंक यू।